मैं कुमार हेडो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक, एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। और इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को भी बहुत दिनों से इंतजार रहा होगा कि कब कैलकुलस स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का इंतजार जो है अब समाप्त हुआ और आज से आप लोगों का कैलकुलस स्टार्ट हुआ। तो कैलकुलस को समझ लेंगे कि कैलकुलस में सबसे ज्यादा कितने नंबर का सवाल आता है और 5 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलस को पढ़ने से पहले पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि कैलकुलस में कितने और कौन कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा आपको 12th के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिकों के बारे में पहले चर्चा कर लेंगे और जान लेंगे कि एक एक चीज के बारे में कि कौन से टॉपिक को ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे जिससे कि आपका ज्यादा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैलकुलस का कौन कौन सा पार्ट है जो हम लोग को कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ना है और कौन से टॉपिक है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलस में अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उनको भी दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक कैलकुलस के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैलकुलस में कितने नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2 नंबर के कितने पूछे जाते हैं, 1 नंबर के कितने पूछे जाते हैं और 5 नंबर के सवाल कितने पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं कैलकुलस में। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। कैलकुलस को हिंदी में पहले कलन बोलते हैं और कैलकुलस एक टॉपिक है यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलिए देखिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप कैलकुलस पूरा अच्छा से सारे टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 44% नंबर प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ कैलकुलस में, यानी 44% नंबर यानी कि 60 मार्क्स का परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका ऐसे भी आप लोगों को ये बात पता होगा कि जो है 100 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और ज्यादा सवाल कितने सवाल ज्यादा पूछे जा रहा है आज हम उस बात को भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ज्यादा सवाल जो पूछे जा रहा है उसमें आपका अप्रोक्स 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पूछा गया है। और कैसे 60 मार्क्स का पूछा गया है अब उस बात को भी हम लोग समझते हैं कि 2 नंबर का सवाल कितना पूछा गया, 1 नंबर का सवाल कितना पूछा गया और 5 नंबर का सवाल कितना पूछा गया। तो चलिए इस बात को देखते हैं। तो 28 क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का पूछा गया, तो इस तरह से आपका 28 नंबर तो ऐसे ही प्राप्त हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन से। और 11 क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 11 दूना कितना हुआ, 22 नंबर आपका 2 नंबर के क्वेश्चन से पूर गया। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आपका 5 दूना 10 नंबर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अगर आप इस नंबरों को जोड़िएगा तो आपका 60 नंबर पूरेगा, तो लगभग आपका 60 नंबर जो है परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 1-2 नंबर एक एक ऑब्जेक्टिव इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका जो है इस साल 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे 60 नंबर का सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पूछा गया था। तो अगर आपका कैलकुलस अच्छा है, कैलकुलस अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप मैथ में हाईएस्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैलकुलस में कैसे नंबर अच्छा आएगा आप उस बात को भी हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग को यह समझना होगा कि कैलकुलस में कौन से टॉपिक है जो जिसमें हम ज्यादा नंबर और आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यही समझ लेते हैं कि कैलकुलस में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैलकुलस में हम लोगों का कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला जो आपका टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी यानी सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसके बारे में आप थोड़ा सा 11th क्लास में जरूर पढ़े होंगे और लिमिट का नाम सुने होंगे, लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में कंटिन्यूटी के बारे में नहीं पढ़े होंगे लेकिन लिमिट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो समझिए कि पहला जो आपका टॉपिक पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांतत्य एवं अवकलनीयता, पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा
दूसरा जो आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और दूसरा जो टॉपिक आपका है अवकलन है। अवकलन में आप डिफरेंशिएशन 11th क्लास में भी आप सीखे होंगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा सीखना है, वहां पर आप थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइज सीखना था, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सरसाइज आपको बनाने होंगे। और उसके बाद तीसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो डिफरेंशिएशन आप जो सीखेंगे उसका प्रयोग आपको करना सीखना है यहाँ पर, वही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग आपको प्रयोग करना, प्रयोग ऐसा क्वेश्चन आएगा जो उसमें आपको डेरिवेटिव्स का प्रयोग करना है। उसके बाद चौथा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, और देखिए सबसे ज्यादा आपको यही बात पर ध्यान देना है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको सवाल पूछा जाएगा वह डिफरेंशिएशन से होगा और इंटीग्रेशन से होगा। तो इंटीग्रेशन और अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छा से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका इंटीग्रेशन अच्छा से हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन में कमजोरी रख लेते हैं या आप नहीं समझ पाते हैं तो समझिए आपका इंटीग्रेशन भी गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आप डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे और हम आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे भी, आप एक एक क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और हर एक चीज को आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो चौथा टॉपिक आपका क्या था, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसी का आपको प्रयोग सीखना है, समाकलन के प्रयोग, ठीक है। और छठा जो आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, मतलब ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर जो एक नया टॉपिक बनाया जाएगा और उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़ने, बस यही है 6 को टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चौथा इंटीग्रेशन, पांचवा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और छठा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 60 नंबर प्राप्त हो सकता है अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तब। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आखिर हम लोगों को 60 नंबर कैसे प्राप्त हो, इस कैलकुलस को हम लोग कैसे अच्छा से समझ पाएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या बेसिक नॉलेज होने चाहिए। तो पहले उस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या बेसिक नॉलेज रहेगा जिससे कि हम आसानी से कैलकुलस को समझ पाएंगे। तो देखिए आपका बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वह एक में आपका पहला, हर हाल में आपके पास उसका ज्ञान होना चाहिए यानी उस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, और वह है ट्रिगो। और ट्रिगो, सिर्फ ट्रिगो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप ट्रिगो जो है 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, 10th में आप भी पढ़े होंगे, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे और 12th क्लास में भी आपको ट्रिगो पढ़ाया गया होगा। इसमें आपको इनवर्स ट्रिगो पढ़ाया गया होगा, इसमें सीधा ट्रिगो, और इसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो आपको ट्रिगो का ज्ञान जो है 10वां 11वां और 12वां यानी तीनों का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा ही नहीं सिर्फ जानकारी, आपको उसका प्रयोग भी करने आना चाहिए। फार्मूला सबका कहां पर कैसे प्रयोग होता है उस सब का यूज आपको आना चाहिए, और फार्मूला तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। तो हम एक एक करके आपको साइड से आपको 10th वाला 11th वाला 12th वाला भी वीडियो आपको बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि आपका अगर ट्रिगो में भी कमजोरी है या ट्रिगो में भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को आप दूर कर सकते हैं। तो आपका पहला बेसिक जो नॉलेज है वो ट्रिगो का होना चाहिए। दूसरा लिमिट यानी कि सीमा के बारे में, जो आप 11th क्लास में लिमिट चैप्टर पढ़ना था आप जरूर पढ़े होंगे, तो आपके पास लिमिट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली आपका तीसरा जो नॉलेज होना चाहिए वह डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप 11th क्लास में डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स ये सब का प्रूफ करना भी आप लोग सीखे होंगे, और जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया होगा उस सारे फॉर्मूला को आपको याद रखने होंगे, जिससे कि आपका कैलकुलस पार्ट आसानी से समझ में भी आ जाए और आप इस कैलकुलस के टॉपिक में यानी कैलकुलस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा नंबर यानी कि 60 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका पूरा होल सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में ही चर्चा किए, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का हर एक टॉपिक। तो आपका आज का ये जो सिलेबस जानकारी मिला उससे आपको यही समझना है कि आप पहले ट्रिगो और लिमिट और डेरिवेटिव अच्छा से कमांड कर लीजिए घर पे। अभी आप एक दो दिन का समय आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप ट्रिगो हो लिमिट और डेरिवेटिव्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कल या परसों से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे कैलकुलस में, तो इसीलिए आप हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा और आप तैयार रहिएगा।
कि कैलकुलस कैसे हम लोग आसानी से सीखेंगे, और अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं और रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आपको कैलकुलस बहुत ही अच्छा से समझ में भी आएगा और उसमें आप ज़्यादा नंबर भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सिलेबस अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कैलकुलस में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कराने के लिए यह यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए आज का इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस के साथ। तब तक के लिए।